बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंचासीन एवं पंडाले में विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, सुन चुके हैं अभी का प्रसंग है मनुष्य शरीर की उपादेयता। यह पाठ आराध्य बराबर करवाते थे और कहवाते थे, क्यों कि लोग मानवता को भूल जाते हैं, मानवता से पिछड़ जाते हैं, दानवता की ओर लग जाते हैं। इसलिए बारंबार इस प्रसंग को पढ़वाते थे कहवाते आराध्य भी। अब जो पाठ सुने उसे आगे ही लेन में है आगे, जबकि कहा गया है भगवान की राजत्व काल में किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं था। यहां तक वर्णन है कि मांगे बारी दे जल, राम राज के काज, अधिक अनावृष्टि भी नहीं और अतिवृष्टि भी नहीं। किसान जितना पानी चाहे उतना पानी होता था, जितना धूप चाहे उतना धूप। फिर भी भगवान सोचे होंगे कि अभी हमारी सारी प्रजा तो सुखी है सभी तरह से, यह सुख सब दिन नहीं रहेगा। बात तो सही है, सब दिन होते नहीं एक समान, सब दिन ऊंचा पद भी नहीं रहता है, सब दिन बचपना भी नहीं रहती है, सब दिन जवानी भी नहीं रहती है, सब दिन जीवित भी नहीं रहते हैं। संसार के नियमे है, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी जस कभी अपजस, कभी दिन तो कभी रात, कभी बच्चा कभी जवान, कभी बूढ़ा कभी मृत्यु। ये संसार ही परिवर्तनशील है। तो भगवान सोचे होंगे अभी तुम्हारी प्रजा सुखी है, आगे भी दुख में न जाए, इसलिए प्रजा को बुलाकर उपदेश किए हैं। लिखते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए अगुरु द्विज पुरबा सिन सब आई, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगी भगवान कि सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो निकछो ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कह रहे मैं को अनीत की बात नहीं, नीत की बात कह रहा हूं, को अकल्याण की नहीं कल्याण की बात कह रहा हूं, और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही करना पड़ेगा, सो नहीं, सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनने का अधिकार किसको है, एकमात्र मानव शरीर में। देखते हैं आगे में बकरी भी चल रही है, गाय भैंस भी चल रही है, उनमें क्षमता है कि बाबा लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सत्संग चल रहा है, थोड़ी देर सुन लेते हूँ। है क्षमता किस शरीर में, किसी शरीर में नहीं है, एकमात्र मानव शरीर में ही है और कोई शरीर में नहीं। इसलिए कहते हैं एक जगह कह दिए हैं कि बार बार नर देह, अगर नहीं चेतोगे तो बार बार उत्तम शरीर नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े,
चेत सको तो चेत कहे कबीर रे, नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं मिल गया है, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, तो चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अभी सुन चुके हैं ना, भगवान कहे बड़े भाग मानो स्तन पावा, उसी मानस में है केवल मनुष्य पाने से प्रभागी नहीं, उसी मानस में कह दूसरे स्थल पर सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजे रघुबीरा। ये प्रभागी शरीर पाकर के जो गुरुशरण में जाकर युक्ति जान करके भजन करते हैं वो प्रभागी है, नहीं तो खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। हमारे आराध्य अपने प्रवचन में कहने की कृपा किए सप्तम सागर में, कभी पढ़ लीजिएगा, तीन लाइन में मुझे बराबर याद आती है। पहला लाइन में गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, घोंसला कहते हैं खोता को, अर्थात घर, पहला शब्द। दूसरा शब्द है एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा शब्द है एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, ये भी सही है। और आराध्य आगे खुलासा किए हैं कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की दस महला, बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ और क्या हुआ, 5 किलो दाना को भीख मांग करके भी ला रहा अपने बच्चे के लिए, अब 50 किलो दाना मजदूरी करके भी कोई ला रहा है, और 100 करोड़ दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डाकटी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती चोरी बेईमानी करके भी ला रहा है, उदनिन चुनना हुआ बच्चे के लिए और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। यह चार काम तो पशु भी कर रहा, चिड़िया बिल्ली भी कर रही है, अगर ऐसे प्रभागी शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी और वही चार कम लटके रह गए तो लाभ कहां मानुष तन पावा, तब कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ तभी हो सकता है जो बड़भागी श्रम कम शरीर पाकर के, बड़भागी काम जो अन्य शरीर से नहीं होता है, इसीलिए इस शरीर के लिए कहा गया है तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर को खेत कहा गया है, और शरीर भोग प्रधान है, ये मानव का शरीर कर्म प्रधान है। उपमा कितना सुंदर गुरुदेव दिए हैं, जैसे आपकी जमीन है आप स्वतंत्र हैं, गेहूं लगावे कि चना लगावे कि मकई लगावे कि खेसारी लगावे, आम लगावे कि बड़ लगावे कि कटहर लगावे, आप स्वतंत्र हैं, जो लगावे आपकी जमीन या प्रति रखे कोई रोकेगा। उसी तरह आराध्य कह रहे हैं तुलसी यह तन, गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ तुलसी यह तन खेत है, इस शरीर खेत है, किसान किसको बता दिया, मन वच कर्म किसान, मने किसान है, मने न सत्संगों में लाता है, अब मने न सुनने भी देता है, अब मने गपों में लगा देता है, मने सुनने भी देता है और मने गपों में लगाता है, देखते हैं आगे बैठ के भी दे रहा है गप, कोई मतलब है सत्संग से, आगे हम बैठे हैं गप नहीं कीजिए, अपना काम करें लेकिन गप नहीं उड़ावे, समय का महत्व है, गलती हो रही है उनसे अनजान में, नहीं सचेत करेंगे तो कैसे होगा, और सत्संग का अपमान भी है सत्संग गप करना आगे में, इसलिए रोकेंगे ना वो। गोस्वामी जी कड़ी बात कह दिए हैं सत्यम गप करने वाले, तुलसी पुरमिला पाप से हरी चर्चा न सोहाय, जैसे जोड़ के जोर से भोजन की रुचि जाए, संतवाणी कहती है, गलती हो रही अनजान में सचेत करना जरूरी है,
तो मैं कह रहा था कि मने सत्संग में लाता है, मने सिनेमा हॉल ले जाता है, मने सुनने भी देता है, मने गपो कराता है, मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है, मने सुधारवो करता है, मने नीचे को भी ले जाता है। मन का सुधार कहाँ होगा? भूले मन को, भटके मन को, कुमार में लटके मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बार नहीं चूकना तुम मानुष तन पाए के जी। तो ऐसे शुभ शुभ जगह पर, पवित्र जगह पर आकर के भी गप्पे उड़ाएंगे तो लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और अपने गप करेंगे तो अपने तो लाभ नहीं लेंगे, और जिनसे गप कर उनको लाभ से वंचित कर देंगे। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि सचेत रहो, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसी हमारे आराध्य भी कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि के जोनिन में भर में वो बहु बार हो के बार नहीं, नरतन अब ही कृपा कर दिन हाँ, अब प्रभु करो उबार। आराध्य कह रहे हैं जैसे महान संत, हे प्रभु बहुत बार भटक चुके हैं, अब कृपा कीजिए। वही भगवान कह रहे हैं, सुनो ये अनुभव स्वरूप मिला है, ऐसा स्वरूप बार बार नहीं मिलेगा। नानक देव भी कह रहे हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार का जानो कछु पुण्य प्रगट तेरो मानु खा अवतार। लेकिन घटत छिन छिन आयु घट रही है, शरीर बढ़ रहा है, घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो बहरिन लागे डार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। यह अनमोल शरीर बार बार नहीं मिलेगा, नहीं जीतेंगे। तो मैं कह रहा था कि आप स्वतंत्र हैं, अपने जमीन में जो लगावे आप स्वतंत्र हैं। उसी तरह से अगर हम संतों के बताए अनुसार युक्ति जान करके भजन कर रहे हैं, तब समझे इसे अनमोल शरीर से हम पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं, आ पीने के दूध पी रहे हैं शराब, आ खाने काम खा रहे हैं अंडा, आ खाने के खीर तो खाते हैं मांस, करने की जीव रक्षा करते हैं जीव हत्या, तो संतों का ऐसे अनमोल शरीर पीटा से पखाना घर बना रहे हैं। भट्ठा एक ईट एक, आप रसोई घर बनाइए, भूसा घर बनाइए, पूजा घर बनाइए, या मंदिर घर मंदिर बनाइए, या पखाना घर बनाइए, भट्ठा एक ईट एक और काम अनेक। उसी तरह से यह बर्भागी शरीर से जो चाहे कर सकते हैं, वह ज्ञान हम कर रहे हैं किया, करना चाहिए किया, खा रहे हैं किया, खाना चाहिए किया, पी रहे हैं किया और पीना चाहिए किया, क्या करना चाहिए सारा ज्ञान होगा कहाँ? भटक भरम भटके कहाँ ज्ञान होगा? सुबह सुन चुके हैं, गलती इंसान से भी होती है, गलती करके वो चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला के पानी कोई नहीं पीता है, छिटको नहीं लेगा बिना धाम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीबो करेंगे, छिटको ले लेंगे और बिना धाम भी पहुंचा देंगे। पानी नाले वाला, लेकिन जब गंगा मिल गया तब नाला नहीं गंगा हो गया। उसी तरह से पापिस पापी व्यक्ति भी, अपराधी व्यक्ति, कुमार की व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए, मानता समझ ले, सही संत के ज्ञान पकड़ ले, तो वो भी जिससे गंगा में नाला पानी शुद्ध हो जाता, उसी तरह मानव भी पवित्र होकर के अपना परम कल्याण कर लेता है और कर लेगा। इसलिए महत्व है सुनने के। श्री भगवान कह रहे हैं, सुनहु कर रहो जो तुम्हें सुहाई, समय ज्यादा नहीं है, अब बाबा सुनेंगे श्री सदगुरु महाराज की।